दोस्तों, अगर आप अर्थशास्त्र में कैसे उत्पादन करें की केंद्रीय समस्या को जानना चाहते हैं और इसकी अवधारणा को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आप अंत तक देखते रहें। दोस्तों, आज मैं आपको अर्थशास्त्र में केंद्रीय समस्या का दूसरा प्रकार, जिसे आप कैसे उत्पादन करें के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये अर्थशास्त्र की दूसरी सबसे बड़ी केंद्रीय समस्या है, जिसे जानना आपके लिए अनिवार्य है। दोस्तों, अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो मैंने इसी टॉपिक पर पहले भी दो वीडियो बनाई हैं, केंद्रीय समस्याओं का अर्थ और क्या उत्पादन करें, जो मैंने आई बटन पर इन दोनों वीडियो के लिंक दिए हैं। दोस्तों, उन दोनों वीडियो को आप देखें और उसके बाद ये वीडियो देखें, आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे उत्पादन करें की केंद्रीय समस्या। सबसे पहले दोस्तों, आपको इसके अर्थ का पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने स्लाइड में कैसे उत्पादन करें की केंद्रीय समस्या का अर्थ लिखा है, कैसे उत्पादन करें कि केंद्रीय समस्या मुख्य रूप से वस्तुओं के उत्पादन की तकनीक के चयन से संबंधित है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये तकनीक होती क्या है। दोस्तों, तकनीक के लिए मैंने नीचे एक लिखा है कि तकनीक इक्वल टू काम करने का तरीका। दोस्तों देखिए, तकनीक कुछ नहीं होती है, आप जिस तरीके से काम करते हैं वो आपकी तकनीक कहलाती है। उदाहरण अगर मैं दूं तो पहले जो खेती की जाती थी उसमें जो किसान होता था वो मिट्टी की गुड़ाई खुद से करता था, फिर उसने बैलों का, बैल यानी भैंसों का सहारा लेने लगा, फिर उसने ट्रैक्टर, और अब बड़ी से बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, जो काम करने का जो तरीका होता है ना, उसे ही हम तकनीक कहते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको तकनीक समझ आया होगा। तो दोस्तों, तकनीक जो हम वस्तुएं पहली समस्या क्या उत्पादन करें में चुनते हैं और उनकी मात्रा डिसाइड करते हैं, दूसरी समस्या हमारे सामने दोस्तों ये खड़ी हो जाती है कि उन वस्तुओं को हम कैसे उत्पादित करें। दोस्तों, उत्पादन करने की दो तकनीकें होती हैं। सबसे पहली तकनीक होती है दोस्तों श्रम प्रधान तकनीक, दूसरी होती है दोस्तों पूंजी प्रधान तकनीक। दोस्तों, आइए अब इन दोनों तकनीकों के अर्थ को अच्छी तरीके से समझते हैं। श्रम प्रधान तकनीक क्या होती है? दोस्तों, श्रम प्रधान तकनीक उस तकनीक को कहा जाता है दोस्तों जिसमें किसी भी वस्तु का उत्पादन हम श्रम का अधिक प्रयोग करते हैं जबकि पूंजी का हम प्रयोग कम करते हैं। जिस तकनीक में वस्तुओं के उत्पादन के लिए श्रम का अधिक प्रयोग किया जाता है पूंजी की अपेक्षा, उसे श्रम प्रधान तकनीक कहते हैं। दोस्तों, श्रम प्रधान तकनीक में जो मुख्य रूप से विकासशील देश यानी जो गरीब देश हैं, जैसे कि भारत, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जितने भी छोटे छोटे देश हैं और जो गरीब देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उन देशों के लिए श्रम प्रदान तकनीक ही सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। उसका कारण दोस्तों ये होता है कि जो विकासशील देश होते हैं उनके पास पूंजी बहुत कम मात्रा में होती है जबकि मानव संसाधन उनके पास बहुत अधिक मात्रा में होता है, और मानव संसाधन का सही से प्रयोग करने के लिए उन्हें श्रम प्रदान तकनीक का ही सहारा लेना पड़ता है, जिसके कारण उस देश की बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान हो जाता है। दोस्तों, तो श्रम प्रधान तकनीक, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा कि श्रम प्रधान तकनीक क्या होती है। श्रम प्रधान तकनीक के अंतर्गत किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए हम पूंजी की अपेक्षा श्रम का अधिक प्रयोग करते हैं। दोस्तों, और ये कैसे देशों के लिए अधिक लाभदायक सिद्ध होती है? विकासशील देशों के लिए। क्यों होती है? क्योंकि ये उन वहाँ के लोगों की बेरोजगारी की समस्या को समाप्त कर देती है। दोस्तों, अब दोस्तों हम दूसरी तकनीक के बारे में जानते हैं, पूंजी प्रधान तकनीक।
पूंजी प्रधान तकनीक उस तकनीक को कहा जाता है जिसमें किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए श्रम की अपेक्षा पूंजी का अधिक प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जब हम पूंजी का अधिक प्रयोग करते हैं तो वो पूंजी प्रधान तकनीक होती है, जब हम श्रम का प्रयोग करते हैं ज़्यादा तो वो श्रम प्रधान तकनीक होती है दोस्तों। और दोस्तों, ये जो पूंजी प्रधान तकनीक है ये विकसित देशों के लिए अधिक लाभदायक सिद्ध मानी जाती है, जिसका कारण यह है दोस्तों, क्योंकि जो विकसित देश होते हैं वहाँ पे बहुत कम जनसंख्या होती है, उनके पास जो मानव संसाधन है वो बहुत कम मात्रा में होता है, जबकि पूंजी उनके पास बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। तो उनकी पूंजी का सही से उपयोग हो सके तो इस वजह से वो सभी देश पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपको ये भी समझ आएगा कि श्रम प्रधान तकनीक किसे कहते हैं और पूंजी प्रधान तकनीक किसे कहते हैं। और दोस्तों, इन दोनों में से ही किसी एक तकनीक को चुनना ही ये अर्थशास्त्र में एक समस्या पैदा कर देता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो हमारी दूसरी केंद्रीय समस्या थी, कैसे उत्पादन करें, आपको समझ आई होगी। अगर दोस्तों अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट है, अगर कैसा भी डाउट है आपके मन में, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें इन तीनों जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हमारी, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।